1 2 3 4 आवाज़ आ गई। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा और आप देख लें कि ये रिमोट भी इसका लॉक, ये देखें ये अनलॉक और ये भी अनलॉक। तो दोस्तों मेरे पास दो रिमोट हैं, एक तो वर्क करता है एक वर्क नहीं करता। एक काम करता है यानी कि एक गाड़ी गाड़ी के साथ मैच है, ये मैच है ठीक है, और ये मैच नहीं है ठीक है। यानी कि मैंने इस रिमोट को इस गाड़ी के साथ मैच करना है। ये गाड़ी पिकअप है ठीक है, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी होती है बुलान है या इसके अलावा पिकअप है या मेहरान है, ये सब का मेथड एक ही है मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ठीक है। आपने इस रिमोट को मैच करने के लिए तीन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करना है, इस तीन चीज़ों को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले मैं एक छोटी सी एक प्रैक्टिकल के तौर पर दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको आपको रिमोट भी आपके सामने मैच करूँगा। वो किस तरह करना है आपने ये तीनों स्टेप को ध्यान में रख लेना है। सबसे पहले क्या करना है कि तीन बार स्विच को ऑन ऑफ करना है और चौथी बार स्विच को ऑन ही रहने देना है। उसके बाद चाबी को निकालना और फौरन ये जो दोनों बटन है लॉक और अनलॉक के आपने दोनों को प्रेस कर देना है इमोलाइजर की लाइट के बिल्कुल सामने ठीक है। जब आपने इसको प्रेस कर देना है ठीक 10 सेकंड के बाद जब वो लाइट ब्लिंक करनी शुरू हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपने इस दोनों बटन को इसी के सामने 10 सेकंड तक इसको लॉक और अनलॉक दबाते रहना है ठीक है। जब आप 10 सेकंड तक दबाएंगे तो किट के ऑन होने की आवाज़ आ जाएगी, तो आप फौरन आप जब स्विच को ऑफ करेंगे और आप चेक करेंगे तो आपका ये रिमोट भी मैच हो जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेकर चलता हूँ। अब देखें ये रिमोट वर्क करता है ठीक है, ये रिमोट वर्क नहीं करता। अब मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपने किस तरह करना है, आपने तीन बार स्विच ऑन करना है और चौथी बार स्विच को ऑन ही रहने देना है ठीक है। ये आप देख लें, तीन बार आपने स्विच को ऑन करना है और चौथी बार ऑन ही रहने देना है। ये देखें 1 2 3 4 आपने दोनों बटन को प्रेस किया ठीक है, उसके बाद आपने इसको प्रेस करते जाना है। ठीक है, ये रिमोट मैच हो गया, इसकी आपको आवाज आ गई। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा और आप देख लें कि ये रिमोट भी इसका लॉक, ये देखें ये अनलॉक और ये भी अनलॉक, उसके बाद लॉक और ये भी लॉक ठीक है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं दोनों रिमोट इस वक्त मैच हैं, लॉक है ये देखें लॉक है और ये अनलॉक है। ये तो पहले ही मैच था, ये देखें ये लॉक है और ये अनलॉक है और ये लॉक है और ये अनलॉक है। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाया करें। और यार ये मेरी अपनी हौसला अफजाई की बात होती है, कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और इसके अलावा वीडियो को एंड तक भी नहीं देखते। जब वो इन वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे वो उनको बात की किस तरह समझ आएगी। आप वीडियो को एंड तक देखा करें, और इसके अलावा कोई वीडियो एंड तक नहीं देखते और व्हाट्सएप पर मैसेज की शुरू कर देते हैं, इसके अलावा मैसेंजर पर बात करनी शुरू कर देते हैं कि यार ये बात आपने फजूल दी या ऐसे है या ऐसे है या बात की समझ नहीं लगी। जब आपको बात की समझ नहीं लगी, आपने वीडियो को एंड तक देखा ही नहीं, तो आपको बात की किस तरह समझ लगे। ये मैं रिमोट की भी मैं पार्ट टू में वीडियो बना रहा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ ये रिमोट को किस तरह मैच करना है। अगर आप वीडियो को बार बार देखेंगे फिर आपको समझ लगेगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सिर्फ देखने में आसान है लेकिन करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है ठीक है। आपने इसी फॉलो को करना है, इसी चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे तो आपका रिमोट मैच होगा। तो